नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का द बिजनेस शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपना पेट्रोल पंप कैसे खोल सकते हैं या अपना पेट्रोल पंप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेट्रोल पंप के बिजनेस को पूरी दुनिया में मुनाफे का बिजनेस माना जाता है। आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए देश के हर कोने में पेट्रोल पंप खोलने का काम पेट्रोलियम कंपनियाँ करती हैं। इसके लिए कंपनियाँ लाइसेंस जारी करती हैं, किसी नए क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए ऑयल कंपनी विज्ञापन प्रकाशित करती है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल की मांग बड़े पैमाने पर है। पेट्रोल डीजल के बिना इस दौर की कल्पना करना बेहद ही मुश्किल है। अगर एक दिन के लिए किसी शहर में पेट्रोल पंप यूनियन ईंधन की बिक्री बंद कर देते हैं तो उस शहर की रफ्तार ठप हो जाती है। यातायात के साधन बंद होने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की डिमांड बहुत है। पेट्रोल पंप के बिजनेस को पूरी दुनिया में मुनाफे का बिजनेस माना जाता है। आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए देश में हर कोने में पेट्रोल पंप खोलने का काम पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं। इसके लिए कंपनियां लाइसेंस जारी करती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन खोल सकता है अपना पेट्रोल पंप। दोस्तों, देश में BPCL, HPCL, रिलायंस, SR ऑयल जैसी पब्लिक और प्राइवेट ऑयल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। 21 साल की उम्र से लेकर 55 साल की उम्र वाला कोई भी भारतीय नागरिक पेट्रोल पंप खोल सकता है। अगर कोई शहरी इलाके में पेट्रोल पंप खोल रहा है तो उसे 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में फ्यूल स्टेशन खोलने के लिए 10वीं पास अनिवार्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें कितना पैसा लग जाएगा टोटल। चूँकि पेट्रोल पंप का कारोबार मोटा मुनाफा वाला है, तो ऐसे में इसके लिए मोटा पैसा निवेश भी करना पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर कोई ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसे करीब 10 से 15 लाख रुपए निवेश करने होंगे। वहीं अगर शहरी इलाके में पेट्रोल पंप खोलने के लिए तो 30 से 35 लाख रुपए उसको निवेश करना होगा। अब बात करते हैं कि कैसे अलॉट किए जाते हैं पेट्रोल पंप। तो दोस्तों, इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार पेट्रोलियम कंपनी अपनी अपनी फील्ड टीम द्वारा किए गए रिसर्च के आधार पर किसी भी स्थान पर रिटेल आउटलेट स्थापित करती है। अगर जगह बिजनेस के लिए मुफीद पाया जाता है तो उसे कंपनी के मार्केटिंग प्लान में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाकर इच्छुक व्यक्तियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में डीलरों के चयन के लिए दिशा निर्देश www.iocl.com पर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए हमें किससे संपर्क बनाना चाहिए। दोस्तों, आप पेट्रोल पंप खोलने के संबंध में इंडियन ऑयल के संबंधित रिटेल डिविजनल ऑफिस या फील्ड ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स आपको अपने क्षेत्र में इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट यानी पेट्रोल पंप पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कितनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। अगर आवेदक के पास ज़मीन उपलब्ध है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लंबी अवधि के लिए आवेदक को ज़मीन लीज पर लेनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप खोलने के लिए 800 से 1200 स्क्वायर मीटर की जगह ज़रूरत है। अगर आप स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मिनिमम 1200 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्र में 800 वर्ग मीटर में पेट्रोल पंप खोल सकता है। अब बात करते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पेट्रोल पंप। दोस्तों, अगर किसी नए क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए ऑयल कंपनी विज्ञापन प्रकाशित करती है और इसके लिए एक से अधिक आवेदन आ जाते हैं तो इसके लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और जिसकी लॉटरी निकलती है उसको पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। विज्ञापन में कंपनी हर एक चीज़ की जानकारी देती है जिसकी संबंधित इलाके में पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कुछ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।